and welcome to my channel. This is Megha and you're watching Megha's Beauty Land. So, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ ओपन पोर्स यानी कि लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. ओपन पोर की प्रॉब्लम के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट कुछ बेसिक रीजंस होते हैं. एक प्रॉपर स्किन केयर को ना फॉलो करना, और अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, और अगर हम उसको अच्छे से क्लीन ना करें और वही ऑयल हमारे स्किन में रह जाता है, जिससे कि हमारे स्किन पे ओपन पोर्स, पिंपल्स एंड ब्लैक हेड एंड वाइट हेड की प्रॉब्लम हो जाती है. सो अगर आप इस ओपन पोर की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो तो आप एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करें, जिसमें कि एक मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और एक इवनिंग स्किन केयर रूटीन ज़रूर होना चाहिए. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप उसको सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, सो दैट आपसे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव इनटू द वीडियो. तो इस ओपन पोर की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो है स्टीम. तो हमें यहाँ पर कोई नॉर्मल स्टीम नहीं लेनी है. मैं यहाँ पर जो स्टीम आपको बताने जा रही हूँ उस स्टीम के लिए आपको चाहिए होगा नीम. सो मैंने यहाँ पर एक बोल में आधा लीटर पानी गर्म कर लिया है, और जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 2 टेबल स्पून ऑफ नीम लीफ पाउडर. आप चाहें तो नीम के पाउडर की जगह पर फ्रेश नीम की लीव्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें. अब 5 मिनट तक इस पानी को अच्छे से बॉईल करने के बाद में ये स्टीम का वाटर बिल्कुल रेडी है. तो मैं यहाँ पर एक टॉवल ले रही हूँ, इससे अपने फेस को कवर करूँगी. अब 5 से 10 मिनट तक मैं इस नीम के वाटर से स्टीम लूँगी, और आपको इसी तरीके से अपने फेस को पूरा कवर करते हुए नीम का स्टीम लेना है. मैं यहाँ पर अपना पूरा फेस कवर नहीं कर रही हूँ, बट आपको अपना पूरा फेस कवर करके ही नीम का स्टीम लेना है, जिससे कि आपको पूरा स्टीम का बेनिफिट मिल सके. इस स्टीम के बाद में आपके पोर्स स्लाइटली ओपन हो जाएंगे, और आप देखोगे कि इस स्टीम को लेने के बाद में आपका फेस नेचुरली क्लीन एंड क्लियर लगेगा. हमने स्टीम से अपने फेस के जो ऊपर की लेयर है उससे सारी दर्द को और इम्प्यूरिटीज़ को हटा दिया है. तो अब हम बनाने जा रहे हैं फेस पैक, जिससे कि हमारे जो ओपन पोर्स में गंदगी भरी हुई है हम उनको डीप क्लीन कर सकें. तो मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके के फेस पैक बताऊँगी. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप पहला वाला फेस पैक बनाएंगे, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दूसरा वाला फेस पैक बनाएंगे, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल स्किन है तो आप दोनों ही फेस पैक के इंग्रेडिएंट को मिक्स करके एक फेस पैक तैयार करें, जो कि नॉर्मल स्किन के लिए परफेक्ट फेस पैक होगा. तो पहला फेस पैक जो कि है ऑयली स्किन के लिए, उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टेबल स्पून ऑफ क्ले. मैंने यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स बायो ऑर्गेनिक ब्रांड के ही लिए हैं. इनकेस आप ये प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो. सो अब मैं नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट्स में ऐड करने जा रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी. अब इसमें आपको ऐड करना है अपने कोई भी फेवरेट एलोवेरा जेल. मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ऑफ हर्बल ट्री का एलोवेरा जेल ऐड किया हुआ है. अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर. आपको रोज़ वाटर की क्वांटिटी इतनी लेनी है कि आप एक परफेक्ट फेस पैक बना सको. मैंने यहाँ पर 6 से 7 टेबलस्पून रोज़ वाटर ऐड किया हुआ है. तो अब हमारा ऑयली स्किन के लिए फेस पैक बनके बिल्कुल रेडी है, और अब हम बनाएंगे ड्राई स्किन के लिए फेस पैक. ड्राई स्किन के लिए फेस पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टेबलस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी पाउडर. अब इसमें आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ रॉ मिल्क. रॉ मिल्क हमारे स्किन की इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल. आप कोई भी प्योर आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डाबर का आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ. अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ हनी. अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में हमारा ड्राई स्किन के लिए फेस पैक बिल्कुल रेडी है. अब ये दोनों फेस पैक बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए अब फेस पैक को अप्लाई करते हैं. क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल स्किन है तो मैं इन दोनों फेस पैक को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ. आप किसी भी ब्रश से इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई कर लें और एक अच्छी सी लेयर बनाएं. और आपको इस फेस पैक को 10 से 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ना है. उसके बाद में आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो. तो अब स्टीम और फेस पैक अप्लाई करने के बाद में अब हमें अपनी स्किन को रिलैक्स करना है, जैसे कि जो हमारे ओपन पोर्स हैं वो टाइट हो सके. तो हमारा थर्ड स्टेप है आइस क्यूब. आइस क्यूब बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 तरीके के आपको आइस क्यूब्स बताने जा रही हूँ.
पहला आइस क्यूब बनाने के लिए हमने जो ये नीम का वाटर लिया था स्टीम के लिए, हम इसी को आइस ट्रे में डाल देंगे और हमारा पहला आइस क्यूब बिल्कुल तैयार है। अब हम दूसरा आइस क्यूब बनाने के लिए एक बोल में लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आपने यहाँ पर टैप वाटर नहीं यूज़ करना है, आप जो भी फिल्टर्ड पानी पीने के लिए यूज़ करते हो आपको वही पानी इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ग्लिसरीन ऐड किया हुआ है, आपके पास में जो भी ग्लिसरीन हो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में हमारा सेकेंड आइस क्यूब का भी मिक्सचर तैयार है। अब हम इन आइस क्यूब्स को सेट होने के लिए फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे और 4 से 5 घंटे के बाद में ये आइस क्यूब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आपको फेस पैक यूज़ करने के बाद में एक आइस क्यूब को लेके अपने फेस पे अच्छे से रब करना है, जिससे आपकी स्किन एकदम क्लियर एंड सॉफ्ट हो जाएगी और आपके ओपन पोर्स भी टाइट हो जाएंगे। आप चाहो तो इस पूरे ट्रीटमेंट को डेली फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस ट्रीटमेंट को डेली फॉलो नहीं कर सकते हो तो कम से कम वीक में 2 बार इस पूरे ट्रीटमेंट को ज़रूर फॉलो करें और बाकी दिनों में आप सिर्फ अपने फेस को वॉश करने के बाद में इन आइस क्यूब्स को अपने फेस पे अप्लाई करें। सो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ सो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे इसी तरीके के एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन बाय।